एक दिन भगवान श्री कृष्ण का मन किया आज काम्य वन में रामलीला करेंगे, आज हम राम बनेंगे। तो रामलीला शुरू हो गई। काम्य वन, ये एक वन है ब्रज में, बहुत सुंदर स्थान है, आजकल उसको कामा बोलते हैं, शहर बन गया है। तो वहाँ पर ठाकुर जी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, रामलीला खेल रहे हैं। और रामलीला में कौन सी घटना चल रही है, बोले उसमें लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी ना, तो वो जो शक्ति लगी वाला जो प्रसंग है वो चल रहा था। तो राम जी बन गए भगवान कृष्ण, और लक्ष्मण बन गए, कौन थे लक्ष्मण जी, बलराम, दाऊ दादा। तो दाऊ दादा बन गए लक्ष्मण और भगवान कृष्ण बन गए राम जी, मेघनाथ की शक्ति लगी। अब सुषेण वैध आया, एक ग्वाला को सुषेण वैध बनाया गया। अब हनुमान जी लाए गए, बोले हनुमान जी लाओ, कौन बनेगा हनुमान, संजीवनी बूटी लानी है। तो एक सुवल नाम का ठाकुर जी का सखा था, उसको बोला कि तू है हनुमान और जा बूटी लेकर के आ। तो सुवल हनुमान बन करके भागा भागा गया, और कह रहे हैं गया तो, पर जैसे रास्ता में जा रहा था बेचारे सुवल को बीच में ही लग गई भूख। अब बूटी बूटी लाना भूल गया, सीधा पहुंच गया अपने घर, और घर जाके आराम से बढ़िया वो तो भोजन पानी पाने में लग गया, और वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आएंगे। और राम जी रो रहे हैं, मेरे भ्राता लक्ष्मण। अब सारे ग्वाल वाल भी रो रहे हैं, क्योंकि सब अपने आप को वानर समझ रहे हैं कि भई हम राम जी के वानर हैं, वो भी रो रहे हैं। खबर ब्रज में पहुँची, बोले भैया लाला रो रहे हो है, सबरे ग्वाल वाल रो रहे हैं, कछु करो जल्दी जा करके। तो यशोदा नंद बाबा सबरे ब्रजवासी रोहिणी मैया सब भागे भागे आए, बोले का भयो का भयो, अरे भैया लाला काय को रो रहे हो। पर लाला तो चुप ही ना हो, क्योंकि तो एक तो राम जी के फॉर्म में थे, एकदम कैसे अपना वो फॉर्म छोड़ दे, एक्शन में थे पूरे। अब मैया घबराई, मैया ने तुरंत न्योता दिया, बोले जल्द से जल्द हमारे जो कुलगुरु हैं उनको बुलाया जाए, चांडिल ऋषि, लाला क्या हो गया इतना रो रहा है। और चांडिल ऋषि को तुरंत न्योता भेज के बुलाया, बैलगाड़ी में चांडिल ऋषि आए, बोले महाराज जी देखो तो लाला चुप ही ना हो रहा, रो ही रो रहा है, और ये दाऊ देखो पड़ा है जैसे क्या पता नहीं क्या हो गया। तो चांडिल ऋषि ने आँख बंद करके ध्यान लगा के देखा, अरे राम राम राम, ये तो रामलीला चल रही इनकी, ये तो रामलीला रामलीला खेल रहे। अब मैया कह रही लाला चुप हो जा, पर ठाकुर जी तो चुप ही ना हो। तो चांडिल ऋषि से पूछा कि यहाँ आप ध्यान से ये बताओ कि ये कौन कौन बने, तो बताइए सुषेण बना, ये मेघनाथ बना, ये राम बना, ये लक्ष्मण बना। बोले हनुमान कहाँ है, बोले हनुमान बेटा खा रहा है घर पे। बोले हनुमान को लाओ पकड़ के। तो भागे भागे सुबल को पकड़ के खींच करके लेके आए, हल्ला मचा। अब सुबल आया तो सुबल से पूछा भैया तू कहाँ था, बोला हमको भूख लगी थी पेट पूजा करनी, सो हम तो रुक गए वहीं पे। अरे बावरे राम जी रो रहे हैं जल्दी से बूटी लेके आ। तो वहाँ भागा भागा सुबल गया, एक को झाड़ उखाड़ लाया ऐसे ही, वही दाऊ दादा के मुंह में डाली, और दाऊ दादा राम 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 कहते भाई उठ गए। सबरे बोले बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो कभी ठाकुर, एक कथा ऐसी भी आती है उसमें ठाकुर जी स्वयंवर के लिए राम जी बने, और श्री राधा रानी को फिर श्री राम बुला करके लाता है, वो भी एक बहुत प्यारी सी कथा है, बहुत प्यारा सा भाव है। तो ऐसे ठाकुर जी अपने ब्रज मंडल में ब्रज के सखाओं के संग लीला कर रहे, और ठाकुर जी को अपने सखाना बहुत प्रिय है।